भारत के इंजरीज के लिस्ट में दो और नाम जुड़ चुके हैं, वो कौन से नाम है? ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया हूं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक देख लीजिए। ये खिलाड़ियों का नाम आपको आज के वीडियो में पता चल जाएगा। उसी के साथ क्या ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन को सैक कर दिया जाएगा, उनकी कप्तानी छीन ली जाएगी, उसके बारे में भी करते हैं बात। और आखिर में करते हैं बात हमारे दादा के, बिकॉज ही इज कम आउट एंड डिफेंडेड आवर इंडियन क्रिकेटर्स। तो इन सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम करेंगे बात। दोस्तों मेरा नाम आदर्श रामन है, क्रिक ट्रैकर के इस नए वीडियो में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक देख लीजिए, और अगर अब तक आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए ताकि इस क्रिकेट जगत की सारी जानकारी आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो बगैर वक्त जाया करें इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों भारतीय खिलाड़ियों को इंजरीज का एक बहुत बड़ा झटका लगा है ऑब्वियसली, एंड देर आर अ फ्यू मोर नेम्स एडेड टू दैट लिस्ट। अगर हम सबसे पहले देखेंगे हुएवर गॉट इंजर्ड फर्स्ट, इज मोहम्मद शमी, उमेश यादव, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा इज नाउ इंजर्ड बिकॉज ऑफ अ थंब इंजरी, हनुमा बहारी टोर अ हैमस्ट्रिंग यस्टरडे व्हाइल ही वाज पिकिंग अप अ सिंगल ऑन द फाइनल डे ऑफ द सिडनी टेस्ट मैच। और अब इस लिस्ट में एक सबसे भयानक नाम जुड़ चुका है, अ नेम दैट वी नेवर वांटेड ऑन दिस लिस्ट, एंड दैट इज ऑफ जसप्रीत बुमराह। अपेरेंटली ही इज गॉट एन अबडोमिनल स्ट्रेन, ऑब्वियसली वी स्टिल हैव द लाइक्स ऑफ शार्दुल ठाकुर एंड अटी नटराजन इन द रैंक्स टू रिप्लेस जसप्रीत बुमराह, बट लेट्स ऑल लीव दैट टू द टीम मैनेजमेंट एंड वी विल नो इन जस्ट 3 डेज टाइम। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच कैप्टन टिम पेन को बहुत सोशल मीडिया बैकलैश हो रहा है फॉर हिज ऑन फील्ड कॉन्वर्सेशन विद रविचंद्रन अश्विन। जब अश्विन बहुत कोशिश कर रहे थे विद हनुमा बहारी टू सिट अ पार्टनरशिप एंड सेव द गेम फॉर इंडिया, एंड ऑब्वियसली द ऑजी बॉयज वर ट्राइंग टू पिक अप द रेस्ट ऑफ द 5 wickets, अश्विन एंड हनुमा डिड नॉट एंड अप गिविंग देयर विकेट्स, बट टिम पेन डिड ट्राई टू गेट इन द माइंड्स ऑफ रवि अश्विन। जो बातें उन्होंने कही थी दैट वर वेरी डेरोगेटरी, देयर वर फ्यू वेरी अननेसेसरी वर्ड्स दैट वर यूज्ड देयर, और वो स्टंप माइक में पकड़ा गया था। Many cricket legends, many greats of the game came down really hard on Tim Payne, and Sunil Gavaskar even went on to say that he should be sacked as Australian captain. ये सारी चीजें जानने के बाद Tim Payne obviously took to social media when he was giving an interview. He said that he should have known better, he should have been a better player, he should have set a better example for all the kids that are watching through the TV. And he also said that everything happened in the heat of the moment, but he does feel bad for whatever happened. तो ये शायद से एक सीख है, not just for Tim Payne but for everybody who's watching the game, that it is a gentleman's sport and there is a line that cannot be crossed. तीसरे टेस्ट मैच के सबसे पहले इनिंग्स खत्म होने के बाद, यानी कि भारत के बल्लेबाजी होने के बाद, there were quite a few players who came under a lot of backlash. और उनमें से कुछ खिलाड़ी ऋषभ पंत थे, चेतेश्वर पुजारा और रविचंद्रन अश्विन थे। Obviously रविचंद्रन अश्विन as a bowler did not get a lot of criticism, but as a batsman he did. But a lot of criticism went towards ऋषभ पंत एंड चेतेश्वर पुजारा वे, बिकॉज ऋषभ पंत ऑब्वियसली हैज ड्रॉप्ड क्वाइट अ फ्यू कैचेस, ही वाज नॉट अ ग्रेट विकेट कीपर इन द सीरीज, एंड उन्होंने इतने ज्यादा रन्स भी बनाए नहीं थे। एंड चेतेश्वर पुजारा ऑल्दो ही स्कोर्ड अ 50, एवरीबॉडी सेड दैट इफ देयर वाज नो इंटेंट देयर एंड देयर वाज एब्सोल्युटली नो शो ऑफ अग्रेशन, नो नॉट वांटिंग टू स्कोर एनी रन्स एंड पुटिंग प्रेशर ऑन अदर प्लेयर्स, सो ऐसे बहुत सारे बैकलैश इन खिलाड़ियों को मिल रहे थे। बट एट द एंड ऑफ द टेस्ट मैच व्हेन इंडिया डिसाइडेड दैट दे आर गोना सेव दिस एंड दीस 3 कंट्रीब्यूटर्स saved the test match for Team India, BCCI president and former Indian captain Sourav Ganguly came out to social media, he took to social media and he said that let's all understand the importance of all these players, and he very specifically mentioned Rishabh Pant, Chetheshwar Pujara and Ravi Ashwin. It's great to know that the president of the BCCI has supported all our players. So dosto ye hai aaj ki khabar, umeed karta hu ki video aapko acha lag gaya. Do let me know in the comments what you think about all of these things, let me know what you think about the performances of all these players, and do you think Tim Payne should be sacked as captain after this test match series or not? ये सारी चीजें कमेंट्स में मुझे बता दीजिए, और अगर अब तक आपने चैनल या पेज को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है, do that immediately, hit that notification bell right next to it, and मैं बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा आप लोगों से ऐसे ही सारे वीडियोस के साथ।